हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जिसे आप 17,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, रिव्यू एंड एनालिसिस किया है। उसके बाद ही हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है। साथ ही दोस्तों, ये सभी स्मार्टफोन्स आपके हर एक नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आपको 12 GB की बिग रैम मिलेगा, 256 GB की बिग स्टोरेज मिलेगा, OIS कैमरा होगा, 120Hz की AMOLED डिस्प्ले, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगा, प्रीमियम डिज़ाइन होगा। साथ ही यहाँ पर आपको 6000mAh की बड़ी सी बैटरी भी देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी के टाइम में 17,000 के प्राइसिंग में कोई बढ़िया स्मार्टफोन परचेज करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, यहां पर हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को ओवरऑल फीचर्स के बेसिस पर रैंक किया है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 स्मार्टफोन से, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, साथ ही आपको टॉप नॉच की कैमरा चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 1000Hz का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, यानी कि आप इस डिवाइस को हार्ड सनलाइट में भी काफ़ी आराम से यूज़ कर पाएंगे। और वहीं गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। जैसा कि दोस्तों, सैमसंग की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर आप वीडियो कॉन्टेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन जो है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जहां पर आपको नॉर्मल सा डिज़ाइन मिलेगा। और इसका थिकनेस 8.8mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 208 ग्राम है। कैमरा की बात करिए तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन सेंसर 50MP का दिया गया है, जो कि विथ OIS के साथ में आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा, एंड 2MP का एक और जो है यूजलेस सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 13MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों, कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही अब बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 FPS तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 6000mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर चार्जर जो है इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको सैमसंग का खुद का चिपसेट एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि ओनली 5 NF बेस्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी सही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है डिसेंट टाइप का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा। इन द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है। सिंगल बॉटम फायर स्पीकर दिया गया है। और लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के टाइम में आपको 1500 का डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको इस प्राइसिंग में बिग बैटरी चाहिए, अच्छी खासी कैमरा चाहिए, साथ ही आप एक डिसेंट टाइप के यूजर हैं, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। हे दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 4 पे, रियलमी नार्जो 60 स्मार्टफोन। ये डिवाइस देखा जाए तो Realme की तरफ से अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही स्मार्टफोन है। तो शुरुआत कर लेते हैं इसके डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.43 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन, अच्छी बात है कि प्रीमियम वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। साथ ही इसका थिकनेस 7.9mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 182 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन सेंसर 64MP का दिया गया है, एंड एक और 2MP का यूजलेस सेंसर मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहां पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल HD में 30 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, और कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के हिसाब से निराश नहीं करेगा।
साथ ही बात करें इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और वहीं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 7nm बेस्ड है, और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख आता है। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आप कैजुअल लेवल तक की गेमिंग कर पाएंगे। अब बात करें इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, इन द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। तो अब लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 8G+128GB स्टोरेज के साथ करेंटली 18,000 के प्राइसिंग परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको 1500 का बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इस डिवाइस पे आए दिन ऑफर्स वगैरह आते ही रहते हैं, जहां पर आप बिना किसी बैंक ऑफर के भी इस डिवाइस को आप 16 से 17,000 के प्राइसिंग परचेज कर पाएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इस प्राइसिंग में रियलमी की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 3 पे, वीवो T2 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन देखा जाए तो वीवो की तरफ से अपने प्राइस के हिसाब से काफी कमाल का स्मार्टफोन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.38 इंच की फुल एचडी प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, साथ ही 1300 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको प्राइस के हिसाब से टॉप नॉच की देखने को मिल जाएगी। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन फुल्ली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 7.8mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 172 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 64MP का दिया गया है, जो कि विथ OIS के साथ में आता है, एंड एक और 2MP का यूजलेस सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल्स देखने को नहीं मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल HD में 30 पीस तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको कैमरा प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जिसे चार्ज करने के लिए 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और वहीं बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G चिपसेट, जो कि 6nm बेस्ड है, और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख आता है। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर के साथ में आता है, इन द बॉक्स एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिलेगा, और वहीं अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। और लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 6G+128GB स्टोरेज के साथ 17,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्राइसिंग में वीवो की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 2 पे, मोटो G84 5G स्मार्टफोन, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से एक बैलेंस स्मार्टफोन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.55 इंच की फुल HD प्लस की एक 10 बिट वाली POLED डिस्प्ले, जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, साथ ही 1300 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा, और वहीं NEG ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो डिस्प्ले यहाँ पर नो डाउट आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। बिल एंड डिजाइन की बात करिए तो ये स्मार्टफोन प्रीमियम वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, और वहीं इसका थिकनेस 7.6mm है, साथ ही इसका वेट जो है करीब 170 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर जो है 50MP का मिलता है, जो कि विथ OIS के साथ में आता है, प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, और वहीं फ्रंट की ओर 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से फुल HD में 60fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस भी आपको ठीक देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G चिपसेट, जो कि 6nm बेस्ड है, और इसका भी अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख प्लस आता है।
तो यहाँ पर भी आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी सही देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कैजुअल लेवल तक की गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही आपको डे टू डे टास्क में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करिए तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और वहीं बात करें इसके दूसरे फीचर्स के बारे में तो ये स्मार्टफोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। साथ ही इन द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है, जहां पर आपको क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों मोटो का स्मार्टफोन है, तो यहां पर आपको थिंकशील्ड की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी भी दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन डॉल्बी एटमॉस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अच्छी बात है कि 5G के लिए 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। तो अब लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 12G प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 18,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 1000 रुपये का बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस अगर आपको इस प्राइसिंग में कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आपको नियर स्टॉक एंड्रॉइड का फील मिले, साथ ही स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, और वहीं आपको गुड लुकिंग वाली स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी दमदार स्मार्टफोन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस की एक 10 बिट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलेगा, और ये डिस्प्ले 900 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर अच्छी बात है कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करिए तो ये स्मार्टफोन कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 7.9 mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 181 ग्राम है। कैमरा की बात करिए तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का मिलेगा, प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, एंड 2MP का एक और जो है यूजलेस सेंसर मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी सही देखने को मिलेगा। और आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 पिक्सल की वीडियो शूट कर सकते हैं, और वहीं आप फ्रंट कैमरा से फुल एचडी में 30 पिक्सल की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G एक मोस्ट स्टेबल चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6NF बेस्ड है, और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 5 लाख प्लस आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकाल के दे देगा। अब बात करें इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, इन द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ में आता है, साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है। और लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आफ्टर बैंक ऑफर आप इस डिवाइस को 17,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इस प्राइसिंग में कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही मिले, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी मिले, और वहीं आपको काफ़ी कमाल की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी चाहिए, अगर आपका ये सब रिक्वायरमेंट है, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, ये थे 17,000 के प्राइसिंग में आने वाले कुछ खास कमाल के स्मार्टफोन्स। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।